एक समय की बात है, एक गांव में एक ननंद और भाभी रहती थी। ननंद अभी कंवारी थी। वह तुलसी माता की बड़ी पूजा पाठ सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आँख भी नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह भी सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी जी का जनेऊ रख दिया तो वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई होने लगी। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की को कहती कि तू भी तुलसा जी की सेवा पूजा पाठ किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की के मन में तुलसी जी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आ गया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सब बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को भी कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए भी मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चला दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बताई तथा सोने मोती को लेकर प्रसन्न होकर मन से बहन के घर गया। दोनों बहन भाई मिले और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन की लाज रखी, वैसे आपकी पूजा पाठ करने वाले, आपके नियम को निभाने वाले, आपकी सेवा करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो तुलसी माता की जय हो।